दो लौंग और तीन कपूर का प्राचीन काल के समय का महा उपाय 9 दिन के अंदर आपकी मनोकामना हो जाएगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा वह 12 अक्टूबर को होगा। यह नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है दोस्तों, जो पूरे 9 के 9 दिन की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा। और दोस्तों, वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है, जब भी नवरात्रि 9 दिन की होती है तो वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार जो नवरात्रि चल रही है वह शारदीय नवरात्रि है। आप किसी भी वेद पुराण ग्रंथ को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा कि शारदीय नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है, जिस दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और दोस्तों, वेद ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और यह समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। और माता रानी जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को इस नवरात्रि के दौरान जरूर पूरा कर देती है। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती है, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बोला जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दौरान एक व्यक्ति कोई भी उपाय कर ले, उस उपाय का लाभ पलट करके एक व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिन के महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन से लेकर नवमी तक अगर आपने 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत परेशान थे, विद्वान संतान की आपको प्राप्ति हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपको राजनीतिक लाभ होगा और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, खुद के घर का सपना देख देख कर आप परेशान हो चुके हैं, बहुत बीमार आप पड़े हुए हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर की बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो बस दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन के बाद और नवरात्रि के खत्म होने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार साधारण से 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय विधि विधान से कर लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस उपाय को उस तरीके से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आप ही कि नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान बहुत से हिंदू भाई बहन पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, अपने घर पर विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जीवन बहुत कठिन हो चुका है कि बहुत से लोग 9 के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, माता रानी के लिए चौकी नहीं लगा सकते हैं और वह यह चाहते हैं कि उनको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों पर अपने दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसाती है। और अगर आप माता रानी जी के सामने तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय करेंगे तो जरूर ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, दूसरी तरफ कपूर जो है उसका सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व है, जिसको अगर किसी भी पूजा में इस्तेमाल किया जाए, तंत्र विद्या में प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए बस आपको इस नवरात्रि के दौरान 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय करना है।
और तुरंत ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है तो कभी भी आपको आपके परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। तो सिर्फ आपको यह करना है कि नवरात्रि के दूसरे दिन तीसरे दिन से कभी भी शाम को नहाने के बाद आपको एक पीतल का पात्र लेना है, उसमें 2 लौंग और 3 कपूर डालकर इसको जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जितनी देर आप लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखा रहे हैं उतनी देर आपको जय माता दी बोलते रहना है। अगर आप यह उपाय करते हैं नवरात्रि के दिनों में तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर में माता रानी जी अपना वास करने जरूर आती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा जिससे आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। दोस्तों अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप बहुत ज्यादा बीमार पड़े रहते हैं, आप लोगों आपकी बीमारी में लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के दूसरे दिन तीसरे दिन या किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़ा पहनना है, क्योंकि माता रानी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको एक पीतल का पात्र लेना है, उसमें 2 लौंग 3 कपूर डालना है। अब जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति है उसको आपको लेकर जाना है अपने घर के पूजा घर पर, जहां पर भी माता रानी जी की कला चित्र रखी हो। लौंग और कपूर को जलाने के बाद बीमार व्यक्ति के सर से पांव तक आपको इसका 7 बार उतारा करना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 बार लौंग कपूर को जलाने के बाद बीमार व्यक्ति के सर से पांव तक आपको इसका उतारा करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कर लेते हैं तो माता रानी जी के आशीर्वाद से जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, वह दोष उससे दूर हो जाएगा और वह व्यक्ति इस नवरात्रि के बाद माता रानी जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों यह उपाय सिर्फ आपको नवरात्रि के 9वें दिन करना है और इस उपाय को करने के बाद मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नवरात्रि के 9वें दिन आपको सूर्यास्त होने के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर 2 लौंग 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो आप किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ला सकते हैं और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने इस शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह पोटली आपके जीवन में माता रानी जी का वरदान बन जाएगी जिसके बाद आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों यह उपाय आप नवरात्रि के दूसरे तीसरे या 4थे दिन भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि नवरात्रि के 9वीं होने से पहले 11 लौंग लेनी है और 1 मौली धागा लाल रंग वाला लेना है और इसकी माला बना लेनी है और इसको अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। नवरात्रि के 9वीं की शाम को आपको आपके घर के पास किसी भी नीम के पेड़ के पास जाना है, क्योंकि जो नीम का पेड़ होता है इसमें माता रानी जी नवरात्रि में वास करने जरूर आती है। नीम के पेड़ में माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। नवरात्रि की 9वीं को इसी लौंग की माला को आपको नीम के पेड़ पर अर्पित करना है
लेकिन अर्पित करने से पहले आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है। अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ से नीम के पेड़ पर आपको ये माला रखना है। अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ से अर्पित कीजिएगा और उसके बाद अपनी मनोकामना बोल देना। इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कर लिया तो यकीन मानिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी।